वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशान और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लिंक क्वेरी में अपेंड मेथड क्या होता है एंड देन ये कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। अपेंड मेथड क्या काम करेगा, लेट्स से आपके पास कोई एक कलेक्शन है, ठीक है, किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है या कोई सिक्वेंस है, एंड देन आप उस सिक्वेंस के लास्ट में अगर कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो ये काम आप अपेंड मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। अपेंड मेथड जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपके सीक्वेंस को चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो क्या काम करेगा, आपके सीक्वेंस की एक नई कॉपी क्रिएट कर देता है और जो नई कॉपी क्रिएट की है उसमें आपका न्यू एडिड एलिमेंट भी होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे अपेंड मेथड की, जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है, तो यहाँ पे इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है एनिमेबल ऑफ टी सोर्स। टी सोर्स क्या काम करता है, उस एलिमेंट्स के डेटा टाइप को डिफाइन करता है, ठीक है। अपेंड जो कि आपका मेथड नेम है, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप पे काम करेगा टी सोर्स। और ये क्या काम करता है, इसकी जो ये टर्म्स है ना मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जो पैरामीटर्स हैं, एक तो है टी सोर्स, ठीक है। टी सोर्स क्या है, उस सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप। उसके बाद एनिमेबल ऑफ टी सोर्स, ये क्या आपका मेन सोर्स है, जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है जिसमें आप लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करेंगे। फिर टी सोर्स एलिमेंट, ये वो एलिमेंट है जो आप सीक्वेंस के लास्ट में ऐड करने वाले हैं। फिर होता है रिटर्न्स, ये एनिमेबल ऑफ टी सोर्स, ये क्या काम करेगा, वो न्यू सीक्वेंस होगा जो ये आपको रिटर्न करने वाला है। और एक आती है एक्सेप्शन, जब भी आपका डेटा सोर्स जो है वो नल है उस केस में आपका आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अपेंड मेथड के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक अपेंड ऑपरेटर के नाम से क्लास बनाई हुई है, ठीक है। इस क्लास के अंदर मेरे पास एक एग्जाम्पल मेथड है, ठीक है, और हम इसी एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। मैंने क्या काम किया, जो मेरे पास ये अपेंड ऑपरेटर यहाँ पे क्लास थी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, ठीक है। अंदर मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के कोड को रन किया था और मेरा कोड यहीं पे रुका हुआ है। अब हम क्या काम करते हैं, लाइन बाई लाइन कोड को डिबग करते हैं, देन अपने कोड को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे एग्जाम्पल मेथड को कॉल कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, इंटीजर टाइप के यहाँ पे इसमें कुछ एलिमेंट ऐड किया हुआ है इस लिस्ट में, 10, 20, 30 एंड 40। अब क्या हुआ, मैं इस सीक्वेंस में एक एलिमेंट को अपेंड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, जैसे ही एक एलिमेंट को अपेंड किया तो इसने क्या काम किया, अब यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, ये काम ही नहीं करेगा। काम किस लिए नहीं करेगा, क्योंकि ये तो डेटा रिटर्न करता है, ठीक है, एनिमेबल ऑफ टी सोर्स रिटर्न करेगा, और वो मैंने इससे रिटर्न नहीं कराया, ठीक है। मैंने क्या काम कर दिया, जो मेरा ऑलरेडी डिफाइंड सीक्वेंस था उसी में मैंने जस्ट अपेंड मेथड को अप्लाई कर दिया। तो देखेंगे अभी ये जो वैल्यूज दिखाएगा वो आपकी चार की चार वैल्यूज ही होने वाली, 10, 20, 30 एंड 40। तो अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने इन सीक्वेंस को दोबारा से अपेंड कर दिया यहाँ पे वैल्यू 5 की, और मैंने कहा कि जो भी वैल्यूज है उन सबको स्ट्रिंग डॉट जॉइन मेथड का यूज करके कोमा से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या रिटर्न करने वाला, तो यहाँ पे इसने इस बार ऐड कर दिया। ऐड किस लिए कर दिया, क्योंकि इसने क्या काम किया, जैसे इसने इस डेटा सोर्स के लास्ट में एक न्यू वैल्यू को अपेंड किया तो क्या काम करता है, न्यू डेटा सोर्स उसने रिटर्न किया, और न्यू डेटा सोर्स को हमने फाइनली क्या काम कर दिया, सीधा कंसोल में कोमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे, या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, या आप क्या काम करेंगे, इंट सीक्वेंस में आपने एक वैल्यू को अपेंड कर दिया 5 को और उसको डॉट टू लिस्ट कर दिया, ठीक है। और ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपने किस में सेव कर लिया, न्यू इंट सीक्वेंस में, और न्यू इंट सीक्वेंस किसका है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। आपने टू लिस्ट किया है इसलिए अब लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर आप डॉट टू लिस्ट का यूज नहीं करेंगे तो ये आपको एनिमेबल ऑफ इंट ये रिजल्ट करता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने क्या काम किया, आपका जो आउटपुट था वो आ गया, एंड फिर से मैंने क्या काम किया, स्ट्रिंग डॉट जॉइन मेथड का यूज किया, जो आपकी वैल्यूज थी उनको कॉमा सेपरेटेड अपेंड करके मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।